Hello guys, welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. I hope आप सब अच्छे होंगे. So सबसे पहले तो happy धनतेरस to all और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको पहले से ही. तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, लर्निंग. सो आज हम पढ़ने वाले लर्निंग, लर्निंग होती क्या है, कैसे करते हैं, ये सब हम क्या आज पढ़ेंगे, किसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है. तो कंसेप्ट क्या है लर्निंग का, लर्निंग क्या है, एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, मतलब किसी भी जो नॉलेज है, ज्ञान को क्या, एक्वायर करना, अपने अंदर ग्रहण करना. लर्निंग एज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. लर्निंग क्या, हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज, किसका, बिल्कुल परमानेंट चेंज हो जाना, जब हम सीखते तो अपने अंदर उसमें चेंज भी लाए हमारे बिहेवियर के अंदर, जैसे इसके रिजल्ट में, एक्सपीरियंस के अंदर, रिजल्ट में. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज कंटिन्यूस विच स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंटिन्यूस टिल द डेथ. मीन्स क्या करके, जो प्रोसेस है लर्निंग, हम कब से करते हैं, जब पैदा होते हैं, पैदा होने के टाइम से लर्न करना जाता है. जैसे बच्चा है, माँ बोलना सीखता है, चलना सीखता है, जब से हम क्या करना है, लर्निंग करना सीख जाते हैं. कंटिन्यूस टिल द डेथ, हम मरते जब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं. देन इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर हम गेट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग. मतलब हम एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के द्वारा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने एक इंडिविजुअल बिहेवियर को. जैसे कि अपन ट्रेनिंग कह रहे थे, तो जैसे हम DL.ED कोर्स की बात कर लें, जो आप अभी कर रहे हैं, JBT भी कह लो, हाँ, या फिर आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो, कोई भी चीज सीखते हुए. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर क्या है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन. मतलब जो हमारा बिहेवियर है वो प्रोग्रेस करता जा रहा है, उसे अडेप्ट करना, ये क्या एक प्रोसीजर है लर्निंग का. अकॉर्डिंग टू क्रोन ब्रंच, लर्निंग इज शोन बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब लर्निंग हमारे बिहेवियर में शो होती है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, किससे, एक रिजल्ट की फॉर्म में निकलता है. जैसे हम कहते हैं कि हम, जैसे हमने ABCD सीख ली, तो हमसे जो छोटे हैं, जब वे सीखते तो हम कहते हैं कि हमने ऐसे सीखी थी. मतलब हम उनसे कहते अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, हम उन्हें लर्निंग के बारे में बता रहे कि हमने कैसे की थी. देन है नेचर ऑफ लर्निंग, अब नेचर क्या होता है लर्निंग का. तो फर्स्ट है, लर्निंग इज ए चेंज, मीन्स लर्निंग इन इट्स एनी फॉर्म और शेप इज ऑलवेज एसोसिएटेड with some or the other changes in learner's behavior. However, these changes in learner behavior should always be desirable or undesirable. Means, जब भी हम कुछ भी सीखते हैं तो क्या होता है, जो हमारे बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज होता है. कई बार क्या होता है कि डिजायरेबल होता है, मतलब जो हमें अच्छी होता है वो चेंज आता है, और कई बार अनडिजायरेबल आता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है. नेक्स्ट है, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें हम हमेशा गेन करते रहते हैं इंफॉर्मेशन को, ये कभी स्टॉप नहीं होती. लर्निंग इज ग्रोथ, लर्निंग क्या करती है, हेल्प करती है किसी की भी ग्रोथ को बढ़ाने में, किसी की एक्सट्रीम ग्रोथ तक वो बढ़ाती है, जैसे उसके हर एक्सेप्ट को बढ़ाती है ग्रोथ के भी, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, या फिर सोशली हो. लर्निंग इज एडजस्टमेंट, अब क्या कहते हैं, आपको पता है एडजस्टमेंट इज द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ. अगर हम कहीं एडजस्टमेंट नहीं करते तो हमें सक्सेस नहीं मिलती, चाहे वो कहीं पे भी हो, हमें लाइफ में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती ही है, जब भी हमें अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है. लर्निंग हेल्प्स द इंडिविजुअल टू सीक एडजस्टमेंट विद हिज सेल्फ एंड एनवायरमेंट. मतलब लर्निंग क्या करती है, हमारे, हमें मदद करती है ताकि हम एडजस्टमेंट कर सकें अपने आप में और एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट हो सके. नेक्स्ट है, लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू. मतलब हम जब वर्ड सुनते हैं लर्निंग का, तो हम क्या सीखते हैं कि हमने कुछ न्यू सीखा होगा, हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ी होगी. देन लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस. द बेसिस ऑफ लर्निंग इज द एक्सपेंशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस. बिहेवियर्स ऑफ लर्नर्स चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस. न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस इवॉल्व एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय द लर्नर. मीन्स यहाँ पे क्या होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं वो सारे अरेंज होते हैं, सबसे हम के पुराने जो एक्सपीरियंस हो उन्हीं से हम नए सीखते हैं, तो क्या ये अरेंज हो रखे हैं. नेक्स्ट है, लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग. डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग आइडियाज
एंड मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। अब क्या रहते हैं, हम कुछ भी सीखते हैं तो उससे क्या वो हमें समझ में कब आता है कि हम अपनी जो पुरानी नॉलेज और न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं, आइडियाज देने लग जाते हैं, तो क्या होते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बढ़ रही है। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एक्टिविटी। लर्निंग क्या प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट और एक्टिविटी का, इन दोनों से मिलकर क्या हुई है लर्निंग होती है हमेशा। जैसे दस की ऑफ ए सक्सेस फुल लर्निंग इन एनी टीचिंग लर्निंग ऑल प्रोसेस ऑलवेज लाइज इन द एक्टिव रिस्पॉन्डिंग ऑफ द लर्नर। मतलब क्या हम कुछ ही पढ़ाते हैं क्लास पे तो क्या उसका एक्टिव रिस्पॉन्स मिलता है तो ही हम आगे पढ़ा पाते, नहीं तो हम ये भी कन्फ्यूज होते कि पता नहीं कि हम सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। जिससे क्या होता है हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लो होता है। तो आई होप आपको नेचर समझ में आएंगे। हम चलते आगे। अब इम्पोर्टेंस क्या है, लर्निंग जरूरी क्यों होता है, लर्निंग क्या है हेल्पफुल इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। मैं बताया था अभी एडजस्टमेंट के कैसे सक्सेस अभी एडजस्टमेंट से मिलती है, तो अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम सक्सेस कैसे ले पाएंगे। तो क्या जरूरी होता है ये एडजस्टमेंट में, हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब लर्निंग से तो क्या हम एक जन किसी भी इंसान की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसे हर डायमेंशन मतलब कि हर एक्सेप्ट में उसे इंक्रीज करवा पाते, उसकी ग्रोथ करवा पाते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो या फिर सोशली हो। नेक्स्ट है हेल्प्स इन ऑलराउंड डेवलपमेंट। ये बात है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करवा पाते, उसके हर स्किल्स को डेवलप करवाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड डिजायर। देखें आप जैसे बिहेवियर चाहते हैं कि भाई मेरा बिहेवियर ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए, मैं गुस्सा कम करूँ ये करूँ, देखिए ये सिर्फ लर्निंग से ही होता। हम सीखते अच्छे आ जाते जब भी हमारा बिहेवियर क्या होता अच्छा हो पाता है। हेल्पफुल इन द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ गोल्स, मीन्स कि हमारे जो हर इंडिविजुअल्स का क्या खुद का एक स्टाइल होता है अपने लाइफ का, हम सब के अलग अलग लाइफ गोल्स, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, देखिए सबका अलग अलग अपने लाइफ के गोल्स है। तो क्या लर्निंग नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या बनना चाहते हैं क्या नहीं बनना चाहते। पॉजिटिव लर्निंग हेल्प्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। इससे अगर पॉजिटिव लर्निंग होगी तो उससे क्या होगा हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लर्निंग इज अ की ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड सोशल प्रोग्रेस। लर्निंग से ही तो हमारी जो इंडिविजुअल खुद की या सोशल की क्या प्रोग्रेस हो सकती है। अगर हम कुछ सीखेंगे तो हम अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे, अपने आप को नहीं कर पाएंगे तो हम सोसाइटी को कैसे डेवलप करेंगे। देन ए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है, सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मीन्स इच्छा। क्या लर्निंग हमेशा जब भी हो सकती है, एक अच्छे से इंसान जब भी सीख सकते जब उसकी खुद की इच्छा होगी तभी वो अच्छे से फिजिकली मेंटली इमोशनली क्या तैयार हो पाएगा लर्न करने के लिए सीखने के लिए। अगर वो ये इन फिजिकली मेंटली इमोशन रेडी नहीं होगा तो अच्छे से सीख ही नहीं पाएगा, लर्न ही नहीं कर सकता। फिर क्या लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट का प्रभावित करना। अगर वो अच्छे से खुश अपनी अगर वो खुश होगा शांत दिमाग से पढ़ेगा तो उसका कुछ भी सीखा तो उसे आसानी से सीखा जाएगा और इम्पैक्ट भी पड़ेगा, अंडरस्टैंड भी कर पाएगा। लेकिन वही उसका मूड जो खराब है, वो गुस्से में है या फिर किसी और बात पर सोच जाए तो उसका वो कुछ सीख ही नहीं सकता, कुछ लर्न ही नहीं कर पाएगा। फिर क्या लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें क्या होता है थिंग्स हमें ये बता कि किसी भी चीज़ को हम जितना रिपीट करते हैं वो हमें उतनी अच्छे तरीके से याद रहती है। जबकि हम देखें कोई हम टॉपिक पढ़ाते हैं कुछ भी बताते हैं तो एक ही बार में समझते नहीं आता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं कई ज़्यादा मुश्किल जो एक ही बार में समझ में नहीं आते। तो अगर हम उसकी प्रैक्टिस करते रहे बार बार तो क्या आसानी से हमें याद भी हो जाता है, समझ भी आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्नर्स का होना ही चाहिए। अगर वो लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे तो इसमें मोटिवेशन हो पाएगा टीचर का, अच्छे से वो रीइन्फोर्स कर पाएगी लर्निंग प्रोसेस को, इसमें क्या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब कि जब हम भी पढ़ाते हैं तो क्या होता है सिमिलर टॉपिक हमें साथ में लेने चाहिए और जो डिफरेंट है वो अलग से, कि कई बार आगे पीछे होते हैं। इसमें क्या होता है लर्नर्स क्या आसानी से सीख पाता है, जैसे हमने कोई भी चीज़ उन्होंने सीखी तो उनसे रिलेटेड जो चीज़ें पहले वो सिखाई जाए ताकि वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज को साथ में कनेक्ट करके वो आसानी से सीख सके, ना कि हमने अब जैसे कुछ करा दिया फिर उसका जो बाकी टॉपिक है जो रिलेटेड है वो हमको भी बाद में कराए, जिससे क्या उन्हें कनेक्शन करने में बहुत मुश्किल आएगी। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स स्टेट दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्डिंग इन ए वैरायटी ऑफ वेज इफ द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज नॉट इमीडिएटली रिइंफोर्स्ड और सेटिस्फाइड।
अभी बात है, अगर हम मतलब कुछ भी पढ़ाते तो एक के रिस्पॉन्स नहीं, अगर मुझे अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे तो मुझे क्या होगा, मैं मोटिवेट होंगी, मुझे पता चलेगा। अब कोई बताएगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया, कोई बताएगा मुझे में कुछ ये कमियां थी, तो मैं उन कमियों को सही करूंगी, साथ ही जो मुझे अपनी स्पीड है उनको स्लो करनी चाहिए तो उससे मैं अच्छे से स्ट्रोंग कर पाऊंगी। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इट डिस्क्राइब्स ए प्रोसेस वेयर बाई रिस्पॉन्स मे बी शिफ्ट फ्रॉम वन स्टिमुलाई टू अनदर। लर्निंग कंसिस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स एंड सच कनेक्शन आर क्रिएटेड वेन ए रिस्पॉन्स इज फॉलोड बाई रिवॉर्ड। मीन्स अगर हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका रिस्पॉन्स जो भी बच्चा दिया, अगर उसने अच्छे से दिया तो हमें उसे एक रिवॉर्ड देना चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चा क्लास में एक तो एक्टिव भी होता था, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी देता है, और साथ में उसे रिवॉर्ड क्लास में वो बिल्कुल ध्यान से सुनता भी है। तो ये कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो हमारा आज का टॉपिक यही था, अभी रहते हैं कुछ प्रिंसिपल्स और। तो अब है प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ गोल्स, मीन्स जो हमने गोल्स है जो भी उससे क्या हम लर्निंग से अच्छे से गोल्स को बता सकते हैं। अगर लर्नर के गोल ही अच्छे से नहीं होंगे तो वो क्या पढ़ेगा। अगर मान लो किसी को टीचर बनना है तो उसे यही नहीं पता कि टीचर क्यों बनना है, क्या होता है उससे, तो उसका बनने का फायदा क्या, उसे पता ही नहीं रास्ता सही है कौन सा रास्ता जानना चाहिए कौन सा नहीं। देन प्रिंसिपल ऑफ इम्बीबिंग गुड लर्निंग हैबिट, क्या करते हैं लर्निंग से हम गुड हैबिट्स को ले सकते हैं, बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं, उसकी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड री इन्फोर्समेंट, मीन्स लर्नर्स अगर कुछ भी बताते हैं तो हमें उसे क्या करना चाहिए, या उन्हें री इन्फोर्स करना चाहिए, गुड वेरी गुड कहना चाहिए, ताकि जो फीडबैक है वो अच्छे से आ पाएगा एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जिसके कारण जैसे हम कोई भी कॉम्पिटिशन लेते हैं तो सर्टिफिकेट देने चाहिए, उसके ग्रेड्स देने चाहिए, रिवॉर्ड देने चाहिए, प्रेस करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्वायरिंग अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, मीन्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो लर्नर्स है उसे प्रॉपरली कम्युनिकेशन स्किल को एक्वायर करना चाहिए, वो अच्छे से बोल सके समझ सके, ताकि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे से क्या समझ सके कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप लोग समझ सके, जो आप कहना चाहते हो मैं समझूँ। तो ये होते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो आज का टॉपिक इतना ही था, थैंक यू सो मच, आई होप सब आपको समझ में आएगा, और प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।